फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय हीरोंस फॉर्मूला. देखो अगर आपके पास क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, एबीसी आपके पास एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, देन आपका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और अगर आपको क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर. और अगर आपको क्वेश्चन में ट्रायंगल गिवन है ए बी सी जिसके टू साइड सेम है बट थर्ड साइड डिफरेंट है, देन आप उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? आपके टू साइड सेम है तो आप यहां से इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज आपके दोनों साइड्स सेम है. आपकी ये टू साइड्स भी सेम हो सकती है तो आप ये वाली हाइट फाइंड कर सकते हैं इसको बेस लेकर. और आपको ये दो साइड्स भी इक्वल गिवन हो सकती हैं, देन आप यहां से हाइट फाइंड कर सकते हैं इसको बेस लेकर. तो अगर आपकी टू साइड सेम है और थर्ड साइड आपकी डिफरेंट है, देन बाय पाइथागोरस आप इस हाफ ट्रायंगल से हाइट फाइंड कर सकते हैं. सो ए, इसको पॉइंट ओ ले लेते हैं, ए ओ इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर. आपको यहां से क्वेश्चन में हाइट मिल जाएगी. और अगर आपके पास हाइट है एंड बेस है, आपका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बट अगर आपको क्वेश्चन में ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और आपकी ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, देन आप हाफ इंटू बेस इंटू हाफ तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज आपके पास बेस तो है बट आप हाइट फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि तीनों साइड डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो आप यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकते. अगर आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई भी करते हैं, देन जब आप इस ट्राइंगल से इस हाइट को फाइंड करेंगे तो वो डिफरेंट आएगी, और अगर आप इस ट्राइंगल से हाइट को फाइंड करेंगे तो वो डिफरेंट आएगी, तो आप यहां से हाइट फाइंड नहीं कर पाएंगे. तो आपको यहां पर अप्लाई करना होगा हीरोंस फॉर्मूला. एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस एंड एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, सम ऑफ थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय टू. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ ट्रायंगल ए बी सी एंड द रेशियो ऑफ साइड्स आर 3:5:7, देन आप यहां से लेट करेंगे, साइड क्या हो सकती है? 3x 5x 7x. लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 3x 5x एंड 7x, एंड द पेरीमीटर. क्वेश्चन में आपको गिवन है पेरीमीटर जो है ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 300 मीटर. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. तो आप तीनों साइड्स का सम करें, 3x + 5x + 7x एंड इक्वल्स टू 300. हियर 5 + 3 8 + 7, 15x इज इक्वल्स टू 300 एंड x इज इक्वल्स टू 20. तो आपकी साइड्स क्या आ जाएंगी? 3 × 20, 7 × 20 एंड 5 × 20, 60, 140 एंड 100. अब आपके पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स आ गए, 60, 100 एंड 140. तो आप अप्लाई करेंगे हीरोंस फॉर्मूला. एस की वैल्यू क्या होगी यहां से?
sum of all sides 60 plus 140 plus 100 upon 2. So 60 plus 140 plus 100, 300 by 2 is equals to 150. So 150 minus A, 150 minus 60, 90, 150 minus 140, 10, and 150 minus 100, 50. Iska square root 1, 2, 3, 4, 0 hai. So 100 bahar, 15 into 9 into 5. 15 into 9 into 5. 9 आपका 3 का स्क्वायर है तो 300 एंड 5 into 3 तो 5 भी आउटसाइड 5 3 इज़ 1500 root 3 इज द एरिया ऑफ योर गिवन